द मास्टर प्रकाश क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं, अब वर्बल रीजनिंग का जिक्र करते हैं। वर्बल रीजनिंग में आज हम लोग डाइस पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर डाइस थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है लोगों को, तो थोड़ा ईजी फॉर्म में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग डाइस आसानी से डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डाइस किसे कहते हैं। जैसे आप लोग पासा वगैरह जो लूडो आप लोग खेलते हैं, जो उसकी गिट्टी होती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डाइस कह देते हैं। मतलब वही हमारी क्या होती है, पासा होती है। पासा में छः सरफेस होते हैं, छः सरफेस में सभी सतह जो होती हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और कह सकते हैं छः सरफेस होते हैं, उन्हीं पे नंबर अंकित रहता है। और जो आप डाइस एक हमारी क्या होती है, थ्री डी फिगर होती है, थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स होती है, मतलब त्रिविमीय पिक्चर्स होती है। जब उसको किसी भी टू डी पिक्चर पे आप बनाते हैं या फिर लिखते हैं या डिनोट करते हैं तो केवल उसके तीन ही सरफेस आपको दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पासा है, इसको हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये क्या है, पासा है, और ये कॉपी या कहीं पे भी आप बनाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, पासा के केवल तीन ही सरफेस दिखाई देते हैं, और ये जो सरफेस होते हैं आपस में क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तीन सरफेस आपको क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। तो इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए नंबर आप हम लिख दे रहे हैं, ये पाँच छः, ये हमारे पास क्या है, कुछ नंबर लिखे गए हैं। अब हमें जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो पूछेगा कि दो के विपरीत कौन सी सतह होगी। बातें समझ रहे हैं, अपोजिट टू सरफेस टू, दो के विपरीत में कौन सी हमारी सतह होगी, या तीन, ये छः के विपरीत में, या फिर हमसे क्या पूछ सकता है वो, चार के विपरीत में हमारी कौन सी सतह होगी। तो जो सतह दिखाई दे रही है उसके बारे में हमसे नहीं पूछता है, जो सतह नहीं दिखाई दे रही, जो हिडन सरफेस है उसी के बारे में हमसे पूछता है। जैसे पूछ लेगा दो आपको दिखाई दे रहा है, तो हमसे पूछेगा कि दो के विपरीत में कौन सी सतह होगी, ठीक ना, कौन सा नंबर होगा, या चार के विपरीत में कौन सी सतह आपकी होगी, या छः के विपरीत में कौन सी सतह आपकी होगी। बातें समझ रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक होते हैं, इस तरीके से हमसे डाइस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पता है कि डाइस आपका जो है कुछ इसी फॉर्मेट में बनता है, और अपोजिट सरफेस के बारे में हमको बताना रहता है कि कौन सी सतह किसके आपके विपरीत है। चलिए फिर और देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो चार केस हम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए हैं। इसमें कितने केस हम लोग पढ़ेंगे, चार केस पढ़ेंगे। पहला केस ये होता है कि जब हमारे पास एक ही डाइस हो, उसमें विपरीत सतह के बारे में हम लोग कैसे बता पाएंगे कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत में है। तो पहला केस यही होता है जब किसी भी, ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें एक ही डाइस दिया गया हो। बातें समझ रहे हैं, जैसे ये हमारे पास, हमने आपको पिक्चर्स आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, इसमें एक ही डाइस दिया गया है, एक ही पासा दिया गया है, और जब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पहले केस में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जब किसी भी डाइस का एक ही, ठीक ना, पिक्चर्स दिया गया होगा तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा जो केस बनता है वो इसी में आपका क्या बनता है, टू डाइस वाले क्वेश्चन। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जब एक ही डाइस के दो अलग अलग, कहने का मतलब क्या हुआ कि डाइस एक ही रहेगी, अगर आप एंगल चेंज कर देते हैं, देखने का एंगल अगर आप लोग चेंज कर देते हैं तो उसमें अलग अलग सरफेस हमको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए इस एंगल से हम देख रहे हैं तो हमको तीन दिखाई दे रहा है, इसी पासे को आप किसी दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखाई देगा। तो टू डाइस मतलब जो दूसरा केस हम लोग देखेंगे, हमारे पास क्या होंगे, ऐसे दो पिक्चर्स बनाए गए होंगे, दो पिक्चर्स हमारे पास होंगे, उसमें हमें क्या बताना रहता है विपरीत के बारे में। जैसे पूछ लेगा छः के विपरीत कौन सी सतह होगी, तीन के विपरीत कौन सी सतह होगी, एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग किस टाइप में कवर करेंगे, केस सेकंड में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अब इसी में आपका आता है केस थर्ड, आता है केस थर्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो केस जो थ्री होता है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि मोर देन टू पिक्चर्स आप लोग सॉल्व भी किए होंगे,
तो जब कोई भी ऐसी आकृति दी गई होती है पाशा की, जब दो से ज़्यादा आकृतियाँ दे देता है तब उसमें हमको विपरीत के बारे में पूछता है, तब हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, दो डाइस दिया गया है तो इसमें से विपरीत के बारे में पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन वो बना के दे देता है कि जब तीन सरफेस हो, तो मतलब तीन डाइस दे देता है या तीन से अधिक दे देता है, तब उस केस में आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत होगी, कौन सी सरफेस किसके विपरीत होगी। ये मान लीजिए तीन डाइस हमारे पास है, इसमें जब हमसे क्वेश्चन विपरीत के बारे में पूछता है तो वो तीसरे केस में हम लोग सॉल्व करेंगे। दो मतलब तीन भी पिक्चर्स हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच, बहुत ज़्यादा पांच पिक्चर्स वो बना के देता है मैक्सिमम, तो आसानी से हम लोग विपरीत सतह के बारे में फाइंड कर ले जाएंगे। जो आपका फोर्थ नंबर, जो चौथा केस बनता है, वो आपका क्या बनता है, ओपन डाइस। बातें समझ रहे हैं, खुला पासा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम चौथे केस में सॉल्व करेंगे। बातें समझ रहे हैं, जो हमारा ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है उसे हम लोग किस केस में कवर करेंगे, केस जो आपका फोर होगा। बातें समझ रहे हैं, इसमें हम लोग ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम आपका ओपन डाइस से या फिर ये जो आपका टू, ठीक ना, ये केस सेकंड है और केस फोर्थ, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अभी लेटेस्ट में जो, अब ओपन डाइस का मतलब खुला पासा, खुला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम लोग केस फोर्थ में कवर करेंगे, और एक आपका लास्ट में आता है वो केस फाइव होता है, जो अभी हाल ही में रेलवे के कुछ एग्ज़ाम हुए उसमें पूछा गया है, कुछ SSC के भी क्वेश्चंस पुटअप कर देते हैं। वो जो क्वेश्चन, जो ये आपका फाइव्थ केस नंबर है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, नो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बातें समझ रहे हैं, ये आपका क्या होता है, केस जो फाइव है उसमें हम लोग, ठीक ना, उसमें हम नो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कि आपका स्टेटमेंट दे देता है, क्या दे देता है भैया, स्टेटमेंट दे देता है, और वहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाइस के हैं या फिर अदर चैप्टर के हैं। तो इसको भी हम इसी में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है, और हाल ही में आगामी कुछ ही दिनों में आपका ग्रुप डी वगैरह का पेपर होने वाला है, तो ये ठीक पूछा जा सकता है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस में सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका जिसमें एक ही डाइस दिया गया होगा तो उसमें हम विपरीत सतहों के बारे में कैसे बताएंगे। दूसरा जो आपका होगा, जब दो से अधिक, मतलब जब किसी भी एक डाइस के दो पिक्चर्स दिए गए होंगे, तब उसमें आप विपरीत के बारे में कैसे बताएंगे। तीसरा केस आपका क्या होता है, जिसमें दो से अधिक आकृतियाँ दी गई होती हैं उसमें विपरीत के बारे में हमको बताना रहता है। और जो चौथा केस आपका होता है वो क्या होता है भैया, ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट वाला जो आपका होता है वो नो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इतने केस हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आइए, ठीक ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सा केस पढ़ेंगे। तो पहले केस की तरफ बढ़ते हैं ना, पहला केस जो आपका है, अब देखिए पहले केस में क्या हमसे कहता है, जब किसी भी एक ही डाइस के, बातें समझ रहे हैं, जब एक ही डाइस का एक ही फिगर दिया गया रहेगा तो विपरीत के बारे में कैसे पता करेंगे, ये आपका पहला केस होता है। दूसरा केस हम लोग ये सीखेंगे, दूसरे केस में आप यहाँ से देखिएगा, लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो केस सेकंड के बारे में सीखेंगे। केस क्या पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। पहला केस इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहला केस जो आपका होता है इसी सेकंड केस में ही वो भी इंक्लूड होता है। जैसे ये जो आपका किसी भी डाइस के दो पिक्चर्स दिए गए होते हैं, अगर केस सेकंड की बात करें तो थोड़ा सी और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आप लोग, इसमें आप तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना, कितने टाइप के बनते हैं भैया, तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इस वाले केस में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो आपका बनता है वो, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, हाँ ये आपके डाइस दी गई है, दो पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये डाइस दी गई है, यहाँ पे मान लीजिए चार पाँच छः, यहाँ पे पाँच तीन दो एक, ठीक। अब इसमें जब हमसे विपरीत सरफेस के बारे में पूछता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या होता है, इसमें तीन केस आपके और बनते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं केस सेकंड में, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले में अगर इन दोनों में आप लोग देखें तो आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ भी पाँच है और यहाँ भी पाँच है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वन कॉमन ट्रिक से हम लोग इसको क्या करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। कौन सा कॉमन,
वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है केस सेकंड का फर्स्ट टाइप। सेकंड आप इसमें जो दूसरा केस बनता है वो टू कॉमन, ठीक ना, टू कॉमन ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका एक केस ये भी बनता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, पहली डाइस हो गई, ये हमारा क्या है दूसरा डाइस हो गया। तो इसमें जो केस सेकंड बनता है, जैसे 4 6 3, यहाँ पे 6 3 ना, मान लीजिए ये 2 है, ये क्या है भी आपका 2 है। अब इसमें अगर आप देखें तो दो सतह जब कॉमन रहती हैं तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, टू कॉमन ट्रिक। जैसे यहाँ पे देखो 6 और 3 है, यहाँ भी क्या है आपका 6 और 3 है, तो दो सरफेस आपके कॉमन है तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, टू कॉमन ट्रिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया, टू कॉमन ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अगला जो केस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी में, जब एक भी सरफेस आपका नहीं कॉमन होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नो कॉमन ट्रिक कह देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, डाइस है, ये हमारे पास क्या है, एक डाइस है, ये पहली डाइस है, ये आपकी क्या है दूसरी डाइस है, ये 4 5 6 यहाँ पे 1 2 और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या बचा है 3, ठीक। तो इस तरीके से 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, इसमें एक भी सरफेस कॉमन नहीं है, तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नो कॉमन ट्रिक। और ये जो नो कॉमन ट्रिक होता है, पूरा अप्रोच जो होता है, जब एक ही डाइस दी रहती है तो जैसे हम यहाँ पे अपोजिट सरफेस के बारे में बताते हैं वैसे यहाँ पे भी आपका वन कॉमन भी केस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। केस सेकंड में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, पहला तो हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, दूसरा जो आपका केस बनता है, ठीक ना, दूसरे में ही सेकंड टाइप जो आपका होता है टू कॉमन ट्रिक से हम लोग विपरीत सतहों के बारे में बताएंगे, तीसरा जो बनता है वो आपका क्या होता है, नो कॉमन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये नो कॉमन जैसे ही हम आपको सिखाएंगे कुछ ही सेकंड बाद आप ये भी समझ पाएंगे, ठीक ना, जब आपके पास एक ही डाइस दी गई होगी तो उसमें विपरीत सतह के बारे में कैसे आप पता लगा पाएंगे। तो इस तरीके से, ठीक ना, हम लोग केस सेकंड को पहले ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग केस सेकंड को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।